दोस्तों, फिल्म जगत में कई बड़े बड़े कलाकार हुए, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की जिन्हें हीरो नहीं विलन के किरदार के लिए जाना जाता है। उनका नाम है प्राण, जिन्होंने अपने किरदारों को कुछ इस तरह जिया जो आज भी हमारे जहन में है। प्राण को अपने नकारात्मक किरदारों की वजह से प्रसिद्धि मिली। 1940 में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाले प्राण अपने 60 साल के करियर में काफी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। कहानी हर फिल्म में प्राण डालने वाले परखुरदार की खलनायकी ऐसी कि किसी बेटे को नहीं दिया जाता था उसका नाम। बॉलीवुड यानी उस इंडस्ट्री में जहां हमेशा हीरो को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है, वहां एक खलनायक ने अपनी ऐसी पहचान बनाई कि खलनायक शब्द का मतलब ही बदल दिया। जब खलनायक की बात हो तो केवल एक ही नाम सामने होता था, वो था प्राण। यह वो नाम था जो उस दौर में कोई माँ अपने बच्चे को नहीं देना चाहती थी। खास बात यह है कि रील पर क्रू खलनायक को रोल प्ले करने वाला यह शख्स रियल लाइफ में दरिया दिल था। विभाजन के बाद हिंदुस्तान में आए थे प्राण। प्राण का जन्म 12 फरवरी 1920 को हुआ। उनके पिता सिविल इंजीनियर थे। प्राण के 3 भाई और 3 बहन थी। युवा अवस्था में फोटोग्राफी सीख रहे प्राण ने विभाजन से पहले कुछ पंजाबी और हिंदी फिल्मों में बतौर लीड एक्टर काम किया। विभाजन के बाद वह हिंदुस्तान आ गए और यहां उन्हें फिल्मों में बतौर विलन पहचान मिली। 1950 से 1980 के दशक तक वह इंडस्ट्री के सबसे खूंखार विलन के रूप में मशहूर रहे। 2013 में मुंबई की लीलावती हॉस्पिटल में सांस लेने की समस्या के बाद 93 साल की आयु में निधन हुआ। विभाजन के बाद मुंबई के होटल में किया काम। युवा अवस्था में प्राण लाहौर के एक फोटोग्राफ इंस्टीट्यूट में काम करते थे। एक दिन पान की दुकान पर खड़े होकर जब प्राण सिगरेट के छल्ले बना रहे थे तो उन्हें प्रोड्यूसर दाल सुख एम पंचोली के साथ काम करने वाले लेखक वाली मोहम्मद वाली ने देखा और फिल्म में काम करने के लिए ऑफर किया। इसके बाद उन्हें 1940 में पंजाब फिल्म यमला चट में काम किया। करीब 20 हिंदी फिल्मों और पंजाबी फिल्मों में भूमिका निभा चुके प्राण विभाजन के बाद पत्नी और एक साल के बेटे अरविंद को लेकर 14 अगस्त 1947 को मुंबई पहुंचे। मुंबई पहुंचकर वह परिवार के साथ ताज होटल में रुके, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं होने की वजह से पैसों की कमी होने लगी। उन्हें छोटे होटलों में शिफ्ट होना पड़ा। करीब 8 महीने तक उन्होंने मरीन ड्राइव स्थित देलमार होटल में काम भी किया, जिसके बाद उन्हें देवानंद स्टार फिल्म जिद्दी में काम मिला। पिता को नहीं बताया कि फिल्मों में करते हैं काम। प्राण ने अपनी फिल्मों में काम करने के बारे में अपने पिता को नहीं बताया था। उनको लगता था कि उन्हें उनकी अनुमति नहीं मिलेगी। एक बार न्यूज़पेपर में उनका इंटरव्यू प्रकाशित हुआ तो प्राण ने अपनी बहन को इसे छिपा लेने के लिए कहा, लेकिन तब तक उनके पिता को इसके बारे में पता लग चुका था। वो नाराज भी हुए। प्राण अपने मेकअप पर भी बहुत काम करते थे और वो अपने घर पर इसके लिए आर्टिस्ट रखते थे और वह वो स्केच बनवाता था जैसे प्राण कहते थे। इसके बाद मेकअप मैन और बिग मेकर उस पर काम करते थे। प्राण अपने गेटअप मेकअप और उच्चारण को लेकर हमेशा प्रयोग करते थे। अपनी खलनायकी के दौर को याद करते हुए एक इंटरव्यू में प्राण ने बताया था, उपकार से पहले सड़क पर मुझे देखकर लोग मुझे मेरे बदमाश और लफंगे गुंडे कहा करते थे। उन दिनों जब मैं पर्दे पर आता था तो बच्चे अपनी माँ की गोद में दुपक जाया करते थे और अपनी माँ की साड़ी से मुंह छिपा लेते। रुहास होकर पूछते, मम्मी गया वो क्या? अब हम अपनी आंखें खोल लें। पर मनोज कुमार ने मुझे उपकार में बुरा आदमी से एक अच्छा आदमी बनाकर सबका चहेता बना दिया। दोस्त की बहन बोली, ऐसे बदमाश को घर मत लाना। प्राण साहब एक बार दिल्ली में अपने दोस्त के घर चाय पीने गए। उस वक्त उनके दोस्त की छोटी बहन कॉलेज से वापस आई तो दोस्त ने उसे प्राण से मिलवाया। जब प्राण होटल लौटे तब दोस्त का फोन आया। उसने बताया कि उसकी बहन कह रही थी कि ऐसे बदमाश और गुंडे आदमी को घर क्यों लाते हो। दरअसल प्राण अपने किरदार को इतनी शिद्दत से निभाते थे कि लोग उन्हें रियल लाइफ में भी बुरा आदमी ही समझते थे। प्राण कहते थे कि उन्हें हीरो बनकर
पेड़ के पीछे हीरोइन के साथ गाना गाना नहीं अच्छा लगता है। जब हेलन हुई नाराज और डायरेक्टर से कर दी शिकायत। 1965 में आई फिल्म गुमनाम की शूटिंग के दौरान फिल्म की सेकंड लीड हीरोइन बनी हेलन ने प्राण को लेकर डायरेक्टर से शिकायत की। दरअसल फिल्म के एक गाने की शूटिंग स्विमिंग पूल में हो रही थी। शूट खत्म हो जाने पर सभी मस्ती मजाक करते थे, ऐसे में प्राण ने हेलन को स्विमिंग पूल में खींच लिया। हेलन पूल में गिर गई और उन्हें तैरना बिल्कुल भी नहीं आता था, जिसकी वजह से प्राण पर बरस पड़ी। इसीलिए सबसे अलग थे प्राण। प्राण का रुतबा ऐसा था कि 1960 से 1970 के दशक में प्राण की फीस 5 से 10 लाख रुपए होती थी। केवल राजेश खन्ना और शशि कपूर को ही उनसे ज्यादा फीस मिलती थी। बाप की तरह विलन ना बन पाया, लेकिन एड की दुनिया का बेताज बादशाह है प्राण का बेटा। अक्सर देखा गया है कि बाप अगर बड़ा फिल्म स्टार है तो लोग उसके बच्चों को भी उसी तरह की उम्मीद लगाते हैं, लेकिन कई बार यह उम्मीद टूट जाती है। अभी तो नहीं, अगर बाप बड़ा स्टार है तो बेटा भी एक बड़ा स्टार बने, और फिर यह भी जरूरी नहीं है कि बेटा भी बाप की तरह एक्टर बने। बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपने जमाने में फिल्मी पर्दे से लेकर लोगों के दिलों पर राज किया, लेकिन उनके बच्चे फिल्मी दुनिया में आकर फ्लॉप हो गए। हालांकि उन्होंने बाकी क्षेत्रों में खूब नाम कमाया। अब एक्टर प्राण के बेटे को ही ले लीजिए। प्राण अपनी बेहतरीन अदाकारी और उमदा डायलॉग डिलीवरी के चलते हिंदी सिनेमा के सबसे मशहूर अभिनेताओं में से एक थे। वो एक ऐसे कलाकार रहे जिन्होंने हीरो से लेकर विलन के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। उनके टैलेंट को दादा साहब फाल्के जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। लेकिन क्या आप उनके बेटे के बारे में कुछ जानते हैं? वो क्या करते और कुछ पता है? प्राण के दो बेटे और एक बेटी है। उन्हीं में से एक है सुनील सिंगर। सुनील काफी मशहूर एड फिल्म मेकर है। सुनील को पिता से एक्टिंग विरासत में मिली थी। वो चाहते तो एक्टिंग में ही करियर बना सकते थे। पिता के स्कू के बल पर अच्छी खासी फिल्म भी मिल जाती, लेकिन सुनील शायद अपने दम पर ही कुछ करना चाहते थे, कुछ ऐसा जिसे ना सिर्फ उन्हें खुद पर गर्व हो बल्कि उनके पिता को भी गर्व हो कि उनके बेटे एक्टिंग से इतर किसी और फील्ड में उनका नाम रोशन किया। सुनील इसमें कामयाब भी हुए। आज वो इंडिया के टॉप एड फिल्म मेकर्स में से एक हैं। सुनील आलिया भट्ट से लेकर श्रद्धा कपूर कई टॉप एक्ट्रेसेस के साथ सक्सेसफुल विज्ञापन बना चुके हैं। इसके अलावा वो कई विज्ञापन बना चुके हैं। बचपन से ही सुनील फिल्मों को लेकर पागल थे, खासकर पिता प्राण और अमिताभ बच्चन की फिल्मों को लेकर। अमिताभ और प्राण की अमर अकबर एंथोनी तो सिद्धार्थ ने करीब 19 बार से ज्यादा देखी है। धीरे धीरे जैसे बड़े हुए तो सुनील को एहसास हुआ कि फिल्म उनकी दुनिया नहीं है। अब उन्हें एड फिल्म अच्छी लगने लगी थी। 2002 में सुनील ने अपने दोस्त के एक बैंड के लिए म्यूजिक वीडियो बनाया, जिसे काफी पसंद किया गया। इसके बाद उन्होंने एक एंटरटेनमेंट चैनल के लिए काम किया, जिसमें वो ना सिर्फ प्रोमो हेड थे बल्कि लिखते और एडिटिंग कभी करते थे। प्राण भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने बेटे की इस कामयाबी पर उन्हें फख्र जरूर महसूस होता होगा।